Hello everyone, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. Today I'll be talking about my current favorite Amazon buys that I'm loving nowadays. ये सब चीजें मैं randomly Amazon से ले ली थी and they turned out to be actually very useful and good quality. और मैं सब कुछ randomly share करने वाली हूँ, from clothing, jewelry, organization, beauty, skin care, makeup stuff, सब कुछ होने वाला है इस video में, जो मुझे आजकल काफी पसंद आ रहा है. So I hope ये video आपके लिए भी कहीं ना कहीं useful रहेगी. Also मैं आज announce करने वाली हूँ मेरा birthday giveaway number 2. First giveaway मैंने announce कर दिया था monthly favorite video में, वो भी अभी तक चल रहा है. और सेकंड गिवअवे मैं आज अनाउंस करने वाली हूँ इस वीडियो के लास्ट में. सो इस वीडियो को अच्छे से देखना, लास्ट में अनाउंस करने वाली हूँ. और ये सारे गिवअवे जो इस मंथ में आएंगे ना, वो चलते ही रहेंगे, बिकॉज 30th मई को मैं इस पूरे गिवअवे को एंड कर दूंगी. और हर एक वीडियो में जहां मैंने गिवअवे ऑर्गेनाइज किया, वहां से एक एक विनर पिक कर लूंगी. तो आप किसी भी वीडियो में पार्टिसिपेट कर सकते हो, यू नेवर नो कौन सी वीडियो में आपका लक चल जाए. सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद रैंडम बाय नंबर 1, वो है ये वेगा का ब्रश. अब आप सोचोगे इसमें क्या फीचर करने वाला है, एक हेयर ब्रश ही तो है. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी, मैं जब भी कोई हेयर ब्रश लेती थी ना, इतने बाल उसमें फंस जाते थे, बिकॉज ऐसे करके भी जब हम निकालते हैं ना, वो ऊपर ऊपर के बाल आते हैं, अंदर इतने छोटे छोटे बाल होते हैं जो लिटरली फंस जाते हैं. और मेरा पुराना वाला ब्रश तो बहुत ही ज्यादा डर्टी हो गया था, सो आई वॉन्टेड अ न्यू वन. और यूजली ब्रशेज जो आते हैं 250-200 समथिंग के आते हैं, लेकिन मुझे ये दिखा वेगा का ब्रश अमेज़न पे विद अ क्लीनर. यस, इट्स अ ब्रश विद अ क्लीनर. इसके बॉटम पे यहाँ पे एक हिडन चीज है, विच इज अ क्लीनर. मुझे काफी यूनिक लगा है, मतलब 50-80 रुपीज का फर्क है, ये वाला ही ले लेती हूँ. सो ये बेसिकली क्या है, ये कुछ इस तरह का ब्रश आप देख सकते हो. एंड वॉट यू कैन डू इज, आपके अंदर जो छोटे बाल फंस जाते हैं, आप ऐसे करके निकाल सकते हो. और अभी भी आई कैन सी इसमें से छोटे छोटे बाल निकल रहे हैं. सी, मैंने अभी भी आपके सामने ऐसे किया था, लेकिन उसमें ये बाल नहीं आए, ये इसमें से जाके निकले हैं. सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी हाइजीनिक. अगर आप बिल्कुल हाइजीन का आपको कीड़ा है कि मुझे एक एक बाल को अच्छे से निकालना है, ब्रश को अच्छे से क्लीन रखना है, तो ये चीज काफी हैंडी है. और इसी से आप बाकी ब्रशेस को भी क्लीन कर सकते हो. तो आप एक ये वाला ले लो, आपके सारे काम हो जाते हैं. मेरा जो एक एलन ट्रूमन का ब्लो ब्रश है ना, वो मैं काफी यूज करती हूँ. मैंने उसका रिव्यू इंस्टाग्राम यूट्यूब पर काफी किया हुआ. इट्स लाइक अ ब्लो ड्रायर फॉर्म में ब्रश आता है, और उसके अंदर भी ना मेरे बाल इतने स्टक हो जाते थे ना, उसके साथ भी आई विश ये ऐसा देते, बिकॉज वो फिर क्लीन करना ईजी हो जाता. तो मैं इसी के हेल्प से उसको क्लीन करती हूँ, अंदर अंदर के सारे बाल निकल जाते हैं. सो डेफिनेटली थोड़ा सा प्राइस ही है, 350-380 का आपको अमेजोन के डील पे मिल जाएगा, बट बड़ा सही है यार. अगर आपको भी थोड़ा सा हाइजीन का कीड़ा है, तो मस्ट हैव फॉर यू. नेक्स्ट Amazon buy is this spot patch from the brand spot patch. Yeah, brand का नाम ही spot patch है. ये slim variant है, इनके काफी सारे variant आते हैं, मैंने अलग अलग colors के देखे, लेकिन मैंने इनका slim variant लिया था. Pack of two लिया था मैंने, इसके साथ एक और box आया था, पूरा पैक होके आया था. अभी मैं first वाला use कर रही हूँ, and I really like these. ये made in Korea है, by the way, cruelty free as well. Now one of the major reason why मुझे ये patches बाकी patches के comparison में काफी पसंद आ रहे हैं, because इसके एक different सा एक कुछ style है. आप देख सकते हो, मैं आपको एक patch पूरा निकाल के दिखाती हूँ. By the way, इसके अंदर आपको two ऐसे पैकेट्स मिलते हैं, आपको 36 पैच मिलते हैं टोटल, 18 ईच ऑन एवरी शीट. इसमें साइजेस नहीं है, इसका एक यही कॉन है कि इसमें आपको साइजेस नहीं मिलते हैं, सो आपको इवन पैचेस ही मिल रहे हैं. बट आप देख सकते हो इनके पैचेस पे ना, आपको आसपास एक एक्स्ट्रा एडहेशन दिखती है, मतलब आपको जो मेन प्रोडक्ट है वो अंदर दिख रहा होगा, और आसपास आपको एक रिंग दिखती है, एक एयर टाइट एडहेशन है. नॉर्मल जो पैचेस आते हैं वो पूरे इवन होते हैं, काफी बार वो स्टिक नहीं होते, स्पेशली जब मैं रात को लगाती थी ना, कोई नाइट क्रीम लगा ली, जेल लगा लिया, और उसके ऊपर का पैच लगा दो, तो वो तो ऐसे स्लिप होकर निकल जाता था. मैं सोती थी तो मेरे पिलो पे होता था, तो वो पस क्या ही अब्सॉर्ब करेगा एक्ने की. लेकिन ये वाले पैचेस इतने अच्छे से स्टिक होते हैं, एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है, ये पैचेस आपके लिए परफेक्ट है. ये स्लिम वेरिएंट है, तो ये ज्यादा मोटे भी नहीं है. अगर आप वर्क ऑफिस में लगा के जाना चाहते हो, आप लगा सकते हो. काफी बार जब हम मास्क पहनते हैं ना, हमें पस्ट्यूल हो जाता है इधर उधर, और अगर हम उसी एरिया में बाबा मास्क को पहनेंगे उतारेंगे, अगर वो थोड़ा सा हिल गया, उसमें से पस निकल गई, बैक्टीरिया ट्रांसफर का चांस होता है, वो और ज्यादा बड़ा हो सकता है, और फिर वो बाद में मार्क भी उतना बड़ा छोड़ के जाएगा. सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके ऊपर ऐसे पैच लगा लो एंड जस्ट लीव इट, ओवरनाइट रखोगे तो ज्यादा बेटर रहता है. सुबह जब हटाओगे तो उसमें जितनी भी एक्सेस पास होती है, जो भी गम होता है, वो निकल जाता है, और फिर आप स्किन से उसको क्लीन कर सकते हो. नेक्स्ट अब समथिंग फ्रॉम मिनीसो, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया था. ये है मिनीसो के ब्यूटी ब्लेंडर, एंड दे कम विद योर ओन केस. और ये केस भी ऐसा नॉर्मल ही ऐसे एग शेप में आपको केस तो दिख ही रहा है, प्लस इसमें यहाँ पे होल्स है, ऊपर भी है और नीचे भी आपको चार होल्स मिलते हैं. सो काफी बार क्या होता है ना, हमारा ब्यूटी ब्लेंडर एकदम गीला होता है, हमने अगर इधर उधर रख दिया, बैक्टीरिया को कैच कर लेगा. अगर हम उसको किसी बंद जगह में रखेंगे तो उसके अंदर फंगस लगने के चांस होते हैं, बिकॉज वो ड्राई नहीं हो पाता. सो अगर आप थोड़ा सा हाइजीनिक तरीके से अपना ब्लेंडर रखना चाहते हो ना, स्पेसिफिकली अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, तो ये पैकेजिंग काफी सही है. वंस इन अ वाइल आप इसको वॉश भी कर सकते हो. ये इतना
टाइट नहीं है, मतलब आप अगर ट्रैवलिंग पे लेके जाओगे देयर इज अ चांस ऐसे खुल जाएगा, बट वैनिटी में रखने के लिए एकदम परफेक्ट है। और ये इसी का ही ब्लेंडर है जो इसके साथ आया था, ये काफी डर्टी हो चुका है आप देख सकते हो। अब मैं ब्लेंडर नया लेने वाली हूँ ताकि मैं इसमें इंसर्ट कर सकूँ, और ये काफी छोटा आपको लग रहा हो, लाइक आपको अभी इसमें कितना टीनी टाइनी लग रहा है ना, बट आई कैन बेट मैंने आपको एक ट्यूटोरियल में भी दिखाया था शायद, जब मैं इसको प्रॉपर सोक करती हूँ ना पानी में, ये इसमें भी फिट नहीं आ पाता, ये इतना बड़ा हो जाता है। सो डेफिनेटली इनके ब्लेंडर्स की क्वालिटी भी काफी सही है। अबाउट मिनीसो, ये चीज मैंने मिनीसो के स्टोर से लिया, लेकिन ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है। और जब मैंने इसकी स्टोरी डाली थी ना, मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफी लोगों ने पूछा था कि कोई लिंक है तो दे दो। सो मुझे अमेजोन पे इसका एक लिंक मिल गया, लेकिन आपको ये प्रिंट नहीं मिलेगा, आपको सॉलिड प्रिंट में मिल जाएगा फ्रॉम द सेम ब्रांड मिनीसो के। सो क्या होता है ना, काफी बार मेरे पॉप सॉकेट टूट रहे थे, लाइक 2-3 हफ्ते से मेरे कॉन्टिन्यूस हर वीक जो रेगुलर वाले पॉप सॉकेट आते हैं ना वो टूट रहे थे, मेरी नीसेस खेलती हैं तो वो निकल जाता है। सो ये मुझे मिनीसो के स्टोर्स में दिखा, ये बेसिकली क्या है, ऐसे स्ट्रिप होती है, ये प्रॉपर आप स्टिक कर सकते हो, इसके पीछे से पूरा ऐसे लाइन में स्टिकर आता है, उसको आप फील करोगे ऐसे स्टिक कर सकते हो, और ये बेसिकली कुछ ऐसे होती है, एंड देन यू कैन जस्ट ड्रैग इट डाउन, ऐसे यहाँ पे होल है, आप इसको खींच के नीचे ड्रैग कर सकते हो, एक हल्का सा इतना होल बन जाता है, फिर आप थोड़ा सा और इसको ड्रैग करोगे और ऐसे होल बन जाएगा, तो आपकी मर्जी आप इसको कहाँ एडजस्ट करना चाहते हो। एंड देन यू कैन यूज योर फोन लाइक दिस, इससे फोन को होल्ड करना काफी ईजी रहता है, मैं इजिली शॉर्ट्स ले सकती हूँ जो काफी स्मूथ जाते हैं, मेरे ये वाले फिंगर पे वेट नहीं आता, काफी बार आप देखोगे आपके ये वाले फिंगर पे डेंट आ जाता है, बिकॉज हम जब नॉर्मली फोन को पकड़ते हैं हम यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ पे डेंट आ जाता है, तो मुझे ये होल्ड करने के लिए काफी सही लगा। आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हो, और जो आपको अपनी टाइट जीन्स या पॉकेट्स में डालना हो तो आप उसको बिल्कुल ऐसे फ्लैट कर सकते हो, तो आपकी मर्जी, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज मेरे पास फोन स्टैंड है जो मैं अपने वर्क स्टेशन टेबल पे रखती हूँ, जहाँ मैं लैपटॉप यूज करती हूँ ना, मैं जब रेगुलर पॉप सॉकेट लगाती थी वो उसके ऊपर नहीं फिट आ पाता बिकॉज वो पॉप सॉकेट अड़ता था, लेकिन ये सिंस इतना फ्लैट है ना, ये इजिली उस स्टैंड के ऊपर भी आ जाता है, तो मुझे रेगुलर पॉप सॉकेट से बेटर लगा। नाउ अभी तो 2 या 3 दिन हुआ है तो मैं इसकी लॉन्गिविटी पे कमेंट नहीं कर सकती, बट फॉर द होल यूसेज एंड क्वर्कीनेस मुझे काफी सही लगे। ये मेरे पास टॉम एंड जेरी का प्रिंट का है, बिकॉज मैंने स्टोर से लिया था 120-150 का, लेकिन आपको सेम 100 rupees के अराउंड अमेजोन से मिल रहे हैं सॉलिड कलर, सो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। नेक्स्ट अप, आई रिसेंटली परचेज दिस ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर फ्रॉम द ब्रांड सोलोमो। सोलोमो अगर आपको नहीं पता, अमेजोन की अपनी ब्रांड है, सो सोलोमो के आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे अमेजोन पे। ये बेसिकली क्या है, सबसे पहले है इसमें ये पाउच जो ऐसे पूरा प्रॉपर खुल जाता है, और इसके अंदर आपको मिलते हैं 10 सेपरेट पाउचेस जिसमें आप अपनी ज्वेलरी डाल सकते हो। सो मैंने भी कुछ कुछ डालनी शुरू कर दिया, लाइक मैंने इसके अंदर यहाँ पे चेन डाली है, एंड आई लव द फैक्ट सारी ट्रांसपेरेंट है तो मैं इजीली उनको निकाल के देख सकती हूँ। काफी बार जब बिल्कुल लास्ट मिनट पे कहीं जाना होता है, रेडी होना होता है, आप एक एक डब्बा खोलते हो, पैकेट खोलते हो, बिकॉज जिस बॉक्सेस में ज्वेलरीज आती है ना वो ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट नहीं होते, एक एक खोले में काफी बार होता है कि कोई बेटर ज्वेलरी रखी होती है लेकिन मिलती नहीं है उस टाइम पे, तो मुझे ये काफी टाइम से लेना था। अब मैं फटाफट इसके अंदर कोई भी खोल के निकाल सकती हूँ, मुझे जो दिखनी होगी मुझे इजिली दिख जाएगी। ऑल्सो द बेस्ट थिंग इज इनका साइज भी काफी सही है, लाइक आप देख सकते हो मैंने इस साइड अभी एक छोटा झुमका डाला हुआ है, झुमके का पेयर डाला हुआ है, और यहाँ पे भी स्पेस है, तो आप इजिली एक पाउच के अंदर 2 ज्वेलरी भी इजिली ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या फिर आपका कोई सेट हो प्रॉपर तो वो भी डाल सकते हो, बिकॉज पाउच का साइज काफी सही है। एंड यू कैन ट्रैवल विद देम एज वेल, अगर आप कहीं जाकर ही वहां पर ज्वेलरी डालना चाहते हो तो आप ऐसी ऐसी इस पाउच को अपने बैग में डाल दो, और फिर अगर आपको उसी टाइम ज्वेलरी पहननी या फिर वापस रखनी है फंक्शन के बाद तो आप इसमें डाल भी सकते हो। सो प्रोटेक्शन के मामले में थोड़े बहुत यहाँ पे पीछे हल्की हल्की कुशनिंग है, ज्यादा नहीं, हल्की हल्की कुशनिंग है, दिस डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ कीपिंग योर ज्वेलरी प्रोटेक्टेड भी रहते हैं, उनके अंदर मॉइस्चर इतना नहीं आता, आप इजीली देख भी पाते हो, सो इजी टू ऑर्गेनाइज। मैं आपको एक कशी का ज्ञान देना चाहती हूँ, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर मॉइस्चर ना आए या फिर कोई भी तरह का, जैसे काफी बार ह्यूमिडिटी की वजह से ज्वेलरी अजीब सी हो जाती है, चिपकने लग जाती है, आप इसके अंदर चॉक्स डाल सकते हो। सो मैं टाइम टू टाइम अपने ज्वेलरी बॉक्सेस के अंदर ना जो चॉक आता है, जो आप क्लासरूम वाला बोर्ड वाला चॉक होता है, वो आप उसके पीसेस करके ऐसे डाल सकते हो, बिकॉज वो जो चॉक होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है सारी ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को, और आप उसको टाइम टू टाइम चेंज कर लो, कितना ही आता है, 10-15 rupees में आपको इतने सारे चॉक मिल जाते हैं। सो आप महीने में एक बार उन चॉक्स को चेंज कर दो, वो टाइम टू टाइम जब चेंज होंगे तो वो ज्यादा अच्छे से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि आपकी ज्वेलरी खराब ना हो, या फिर आपके जो बैग्स और फुटवेयर आते हैं उसके अंदर सिलिकॉन के सिलिका के ऐसे पाउचेस आते हैं ना, उन पाउचेस को भी आप इनमें डाल सकते हो, सो दैट दे एब्जॉर्ब ऑल द मॉइस्चर, आपकी ज्वेलरी एकदम इंटैक्ट। नेक्स्ट टू प्रोडक्ट्स आर फ्रॉम माय रीसेंट वीडियो, मैंने जस्ट अभी एक वीडियो डाली थी ट्राइंग हाइड मेकअप, जिसके अंदर मैंने बहुत सारा न्यू मेकअप ट्राई किया था, टेस्ट किया था आप सबके सामने, और ये दो प्रोडक्ट्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए थे, आई थिंक लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, दीज आर एक्चुअली वर्थ एवरी पेनी। सबसे पहले है ये मार्स का फैबुलश मस्कारा, ये आपको अमेजोन पे 199 rupees का मिल जाता है, ओ माई गॉड, ये अच्छे से अच्छे हाई एंड मस्कारा को बीट कर सकता है। मेरे पास टू फेस का बेटर देन सेक्स मस्कारा है जो 2100 rupees का आता है, ये लिटरली उसके जैसे ही रिजल्ट देता है, सो दिस इज ऑल द बॉडी
लुक्स लाइक काफी अच्छी, इन्होंने लग्जूरियस ऑटो पैकेजिंग दी है लेकिन हल्की है, फ्लिम्सी पैकेजिंग है ऑब्वियसली, 199 में आप क्या ही एक्सपेक्ट करते हो. सो अंदर का जो इसका सिस्टम है ना मुझे काफी सही लगा. सो दिस इज हाउ द वॉन्ड लुक्स लाइक, इसमें आपको कन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों साइड मिलती है. तो आप इजिली अगर आप ऐसे करके अप्लाई करना चाहते हो, थोड़ा सा नीचे से लॉन्ग वाला इफेक्ट चाहते हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, और अगर आप नीचे वाले लैशेस पे यूज करना चाहते हो ऐसे करके आप ऐसे भी यूज कर सकते हो. मुझे इसकी दोनों साइड बहुत अच्छी लगती है. और आपने उस वीडियो में देखा होगा थोड़ा सा आईज उसमें ब्लंडर हो गई थी बिकॉज मैंने फर्स्ट टाइम एक प्रोडक्ट यूज किया था, वो वीडियो जाकर देखना आपको समझ आ जाएगा. बट इसने बहुत अच्छा इफेक्ट दिया था, लिटरली ऐसा लगता है मैंने फेक लैशेस लगा लिए, इतनी अच्छी सेपरेटेड लॉन्ग लैशेस लगती है ना. सो मार्स से अगर मैं आपको एक प्रोडक्ट अभी करंटली रिकमेंड करूंगी फ्रॉम अमेज़न, दिस हैज टू बी वन ऑफ देम. सेकंड फेवरेट जो है मेरा वो है ये सेरी का फोकस आई शेडो स्टिक. सो उस वीडियो में क्या हुआ था, मैंने फर्स्ट टाइम ये आई शेडो स्टिक यूज करी, मुझे पता नहीं था ये इतनी जल्दी सेट हो जाती है. तो मैंने आराम से मैंने दोनों आईज पे लगाई ऐसी रैंडमली जैसे स्मोकी आईज करते हैं. मैं तब तक ब्रशेस समझाना शुरू कर दिया, मैंने आपको मार्स के जो ब्रशेस होते हैं मैंने वो समझाने लग गई और वो ऑब्वियसली सेटल मतलब सेट हो गए मेरी आईज पे. तो वो उसके बाद बिल्कुल भी स्मज नहीं हुई, वो स्मोकी आई वाला इफेक्ट आ ही नहीं पाया, मैंने बहुत टाइम लगा उसको ब्लेंड करने में. सो अब मुझे इसकी ट्रिक समझ आ गई है, ये बेसिकली सेरी की आई शेडो स्टिक है जो लिटरली अप्लाई एंड सेट वाला सीन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पैकेजिंग दिखती है कुछ इस तरह से. मेरे पास इसका कलर है डेनिम, E4 डेनिम, इसका लिटरली जो डेनिम वाला कलर होता है ना वैसा कलर है. और यहाँ से ये ऐसे निकलती भी है, सो ये शार्पनिंग वाली नहीं है, आप इजीली इसके आप ट्रैवल कर सकते हो, कैरी कर सकते हो. एंड लुक एट द शेड, सो दिस इज आवर डेनिम लुक्स लाइक. इसमें बहुत फाइन शिमर पार्टिकल्स हैं, सो ये अमेजोन पे आपको काफी सही डील पे मिल जाएगी. इसके शिमर पार्टिकल्स भी इतने लाउड नहीं है, रियली लाइक द कलर. अब मैं क्या करती हूँ, मैंने रिसेंटली मैं बाहर गई थी, ऑब्वियसली हम डेनिम्स बहुत पहनते हैं यही कलर की होती है, तो सबसे बेस्ट ये वाला मुझे कलर लगा. इसको हल्का हल्का ऐसे लगाया और हाथ से इसको स्मच कर दिया एंड आपकी स्मोकी ब्लू आइज बन गई. आपको कोई भी आई शेडो कोई भी और प्रोडक्ट की जरूरत नहीं, कोई ब्रश की जरूरत नहीं है, यू जस्ट अप्लाई लाइक दिस. आप रैंडमली लगाओ और हाथ से ऐसे उसी टाइम स्मच करना, मेक श्योर आप दूसरे आइज पे भी मत लगा के बैठ जाओ. I love the whole effect and since ये proper set हो जाती है ना, ये काफी long lasting भी है, ये जल्दी smudge नहीं होती. तो अगर आपकी eyelids oily है या फिर आपकी आई शेडो बहुत जल्दी फेड होनी शुरू हो जाती है, आई वुड से ये आई शेडो स्टिक लेकर देखो. मैं इसके और कलर्स भी ट्राई करने वाली हूँ बिकॉज मुझे काफी कन्वीनियंट लगी. नेक्स्ट अब समथिंग जो मैं इतनी वीडियोज में रिसेंटली फीचर कर चुकी हूँ ना, मैंने अपने बेस्ट परफ्यूम्स की वीडियो बनाई थी 1.5 मंथ पहले, मैंने उसमें फीचर किया था. मैंने वॉट इज इन माई बैग बनाया था उसमें फीचर किया था, मंथली फेवर्स में फीचर किया था बिकॉज मुझे काफी पसंद आ रही है. ये मैंने अमेजोन से ली थी, ये स्किन बाय टाइटन न्यूड वेरियंट है इसका और ये पॉकेट सॉर्ट ऑफ एक परफ्यूम है. इतना हैंडी भी छोटा नहीं बोलूंगी लेकिन साइज इसका एकदम परफेक्ट है और ये स्प्रे फॉर्म में आता है, रोल ऑन फॉर्म में नहीं आता. आई लव द फ्रेग्रेंस, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी डिफरेंट है ना, मतलब इसकी डिफाइंड कोई फ्रेग्रेंस नहीं है कि ये सिट्रस साइड जा रहा है फिर मैंडी साइड जा रहा है. वुडी एक इसका नोट्स आता है, थोड़ा सा इसका इंडियन वाला भी एक जैसे एक होता ना नोट्स आते हैं, मतलब इसका मिक्स जो है ना वो काफी सही है. सो आई रियली लाइक दिस फ्रेग्रेंस. अगर मैं स्किन बाय टाइटन ब्रांड से एक रिकमेंड करूंगी ना, ये न्यूड जरूर ट्राई करना. ऑल्सो द साइज इज परफेक्ट, आप इसको किसी भी बैग में रख सकते हो, दिखती भी लग्जूरियस है, इजी टू यूज है. सो आई थिंक दिस इज अगेन अ मस्ट बाय फ्रॉम अमेज़न. नाउ कमिंग टू क्लोथिंग कैटेगरी, आजकल जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है जो मैंने रैंडमली अमेज़न से ले लिया था वो है ये कैन कैन स्कर्ट. मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक रील बनाई थी, उसको मैंने शॉर्ट्स भी डाला था, वो लिटरली वायरल हो गई थी यूट्यूब पर भी, काफी उस पर व्यूज आए थे. सो ये बेसिकली क्या होती है, इसे हम लहंगे के नीचे कैन कैन आता है ना और आप हर लहंगे के नीचे लगवाओगे या फिर आपको स्टिच करवाते हो तो इतना कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है, प्लस उसको रखना काफी मुश्किल होता है बिकॉज हर एक लहंगे में इतनी कैन, हर एक आउटफिट में इतनी कैन होगी, उसको फोल्ड करके आप कैसे रखोगे. तो मुझे स्कर्ट काफी सही लगी. सो ये बेसिकली एक प्रॉपर स्कर्ट होती है, आप इसको इजीली पहन सकते हो. इसमें नीचे वायर आई थी लेकिन मैंने उसको बाद में हटा दिया था बिकॉज वो काफी ज्यादा ऐसे ना नकली नकली लग रहा था. सो इसके वायर हटाने के बाद एक अच्छा नेचुरल एक अपलिफ्टेड लुक आता है. मैंने इसको इतनी सारी अपनी ड्रेसेस के साथ अंदर पहना है, ओ माई गॉड ये लिटरली उसको लेवल अप कर देती है. मैंने इंडिया से 2-3 ड्रेसेस ली थी, मैं आप इंसर्ट भी कर दूंगी. एक पिंक कलर का वन शोल्डर ड्रेस है, एक रेड कलर की जो मैंने परसों ही वेडिंग में पहनी है, आप सबने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भर दिया था कि क्या पहना है क्या पहना है, मैंने तब भी शेयर किया था. लिटरली अगर आपकी कोई भी लॉन्ग कुर्ती है, फिर कोई भी लहंगा है, फिर कोई भी आपका लॉन्ग अनारकली सूट है जिसमें ऑब्वियसली आपका लेग्स इतनी ना दिखती हो, पूरा नीचे तक जाना चाहिए बिकॉज फिर वो कैन कैन दिखने लग जाएगी, आप किसी के भी नीचे उसको पहन सकते हो. आप 1000 रुपीज की एक स्कर्ट लेते हो और आप मल्टीपल वेज में मतलब मल्टीपल आउटफिट के नीचे पहन सकते हो, सो डेफिनेटली पैसा वसूल है. मैंने रैंडमली ले लिया था बट ये सबसे यूजफुल चीज निकली है, मेरे हर एक आउटफिट को इसने अपलिफ्ट कर दिया बिकॉज वो जब गहरा अच्छा आता है ना तो दिखता भी आउटफिट बहुत अच्छा है. मेरे जितने भी अभी इंडिया के मैंने ड्रेसेस यहाँ पे आप देख रहे होगे ना, अगर मैं बिना स्कर्ट के आपको दिखाऊंगी ना वो एकदम फ्लैट है, डेड लगती है, लेकिन वो स्कर्ट पहनती इतना प्यारा इसमें घेरा आता है, थोड़ी सी और वेडिंग एप्रोप्रिएट वो बन जाती है. सो अगर आपके घर में फंक्शन है फिर आपके पास लॉन्ग ड्रेसेस है ना और आप अच्छा एक ग्रैंड घेरा चाहते हो, डू ट्राई दिस कैन कैन. दीज आर ऑल माई करंट फेवरेट अमेज़न फाइंड्स जो मुझे काफी पसंद आ रहे हैं आजकल. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस आपको एक माई हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना आप इन सबको इजिली शॉप कर सकते हो. और भी चीजों का मैं
लिंक डाल दूंगी, लाइक जो मैंने हुप्स पहने हैं इसका भी दे दूंगी, जूल्स गैलेक्सी का एक सेट है उसका ये हुप्स है, मुझे काफी अच्छे लगते हैं आजकल, इसका भी लिंक दे दूंगी। प्लस जो मैंने लिपस्टिक लगाई है, आज की लिपस्टिक है बाय द वे ब्लू हेवन की पाउडर मैट इन द शेड महोगनी मोमेंट्स, वेरी वेरी अफोर्डेबल, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अब आते हैं गिव अवे पे, सो बर्थडे गिव अवे नंबर 2 है ये, सो इसमें एक विनर को मिलने वाला है ये सब कुछ जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लस एक सरप्राइज गिफ्ट भी होता है। मुझे आदत है एक सरप्राइज गिफ्ट डालने की हमेशा गिव अवे बॉक्सेस में, ताकि जो विनर हो उसको भी ऐसा लगे कुछ नया हिडन भी कुछ मिलने वाला है। सो इसके लिए रूल्स आर द सेम, आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, बेल आइकन पे हिट करना है, फॉलो करना है मुझे इंस्टाग्राम पे, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगी, और आपको कमेंट करना है नीचे कोई ऐसी रैंडम बाय जो आपने अमेज़न से ऐसी ले ली थी, मतलब एवी टाइम पास के ले ली थी लेकिन वो आपके लिए बहुत यूजफुल निकली है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप बता सकते हो, स्किन केयर, ब्यूटी, फैशन, कोई भी कैटेगरी में, गैजेट की कैटेगरी में, सो जरूर बताना एक ऐसा बाय जो आपके लिए बहुत यूजफुल निकला है। एंड दैट इज इट, इन सबके रूल्स के जो भी और एक्स्ट्रा डिटेल्स है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये सारे गिवअवेज इस मंथ के एंड तक चलते रहेंगे, तो आप कोई भी वीडियो में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड आई फाइंड ऑल द विनर्स बाय द एंड ऑफ द मंथ, एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।